बिहार राज्य पशु टीकाकर्मी संघ के आह्वान पर करगहर प्रखंड के पशु टीकाकर्मियों ने टीकाकरण कार्य का बहिष्कार कर दिया। अपनी मांगों के समर्थन में पशु टीकाकर्मियों ने प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय करगहर के मुख्य द्वार पर धरना दिया। धरना सभा की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर में पशु टीकाकरण कार्य कर रहे टीकाकर्मियों को सरकार 50 लाख रुपए का बीमा करे और कोरोना संक्रमण वायरस से बचाव को लेकर सुरक्षा किट उपलब्ध कराए। वही संघ की 5 सूत्री मांग, पशु टीकाकरण कर्मी की सेवा अस्थायी करने, टीकाकर्मियों को न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये प्रति महीने देने और टीकाकरण के दौरान पशु की क्षति होने पर तत्काल सरकार की मुआवजा तथा अन्य सुविधाओं की मांग। आप लोग यहाँ पशु चिकित्सालय पर यहाँ पर क्या मांग है जो आप लोग यहाँ पर इस तरह से मांग के लेके हल्ला कर रहे हैं? देखिए, हम लोग विगत वर्षों से पूरे बिहार में हम लोग 8400 पशु टीकाकर्मी हैं और हम लोग अपना मांग जो रखे हैं आज तक हम लोगों को विगत वर्षों से सरकार केवल लुभावन दे रही है, लेकिन हम लोगों को अस्थायी नियुक्ति नहीं कर रही है। हम लोगों की आशा थी कि नीतीश सरकार में हम लोगों का कार्यकाल पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन हम लोग बार बार पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी से भी मिले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से के यहाँ ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक हम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और हम लोगों से लुभावन देकर झूठ बोलकर एयर ट्रैकिंग कान छेदने वाला मवेशियों का काम कराया जा रहा है और हम लोगों से बरसात में वैक्सीन का काम कराया जा रहा है, धूप में कोरोना में हम लोगों से टीका लगवाया जा रहा है, वैसा खतरनाक टीका जो ब्रुसेलोसिस का आता है उस टीका को हम लोगों से ही लगवाया जाता है। वही नहीं, जो विभाग का कार्य आता है जैसे ब्लड निकालने वाला सीरम की जरूरत पड़ती है तो हम ही लोगों को बिना पैसे के लिए हम लोगों को भेजा जाता है और हम लोग विभाग का अनुपालन करते हैं और उस कार्य को करते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के ऊपर न सरकार ध्यान दे रही है पूरे पशु टीकाकर्मी के ऊपर और न विभाग ध्यान दे रही है। इस कारण हम लोग एयर ट्रैकिंग में अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हम लोगों की जान क्यों न खतरा में चले जाए, हम लोग जेल क्यों न जाए, जेल की रोटी क्यों न खाएं, लेकिन हम लोग इस धरना को और एयर ट्रैकिंग को कभी कतावी नहीं होने देंगे, किसी की व्यवस्था से होने नहीं देंगे। गांव गांव में जाकर हम लोग इस तरह का व्यवस्था को हम लोग रोकेंगे और विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार पांडे है।